जिला कांगड़ा में लोगों व बच्चों को ड्रग्स की लत से बचाने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में जिला कांगड़ा पुलिस ड्रग्स से कैसे बचे और ड्रग के उपयोग से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करने के लिए सामग्री प्रसारित करने जा रही है। इस बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कांगड़ा संतोष पटियाल ने बताया कि कांगड़ा पुलिस सबसे पहले लोगों को जागरूक करेगी और इसके लिए जल्द अखबारों, रेडियो और टेलीविजन के माध्यम का सहारा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे स्थान चिन्हित किए जाएंगे जहां ड्रग्स का कारोबार होता है और युवाओं को इस जाल में फंसाया जाता है। उन्होंने कहा कि नशे का कारोबार करने और बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जो भी नशे या ड्रग का व्यापार करता या बेचता पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पटियाल ने कहा कि अवैध खनन करने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी, क्रेशर चलाने वालों को भी नियम के अनुसार गाइडलाइंस दी जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर कोई अवैध खनन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य है कि जिला के लोगों को स्वच्छ एवं पारदर्शिता वाला माहौल प्रदान किया जाए ताकि लोगों को अच्छा वातावरण मिल सके। जिला कांगड़ा में ट्रैफिक में सुधार के लिए भी जल्द योजना तैयार होगी और दुर्घटनाओं से बचने के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जाएंगे और एक्सीडेंटल प्रोन एरिया पर बोर्ड लगाकर लोगों को अवेयर किया जाएगा। और किस तरह से ड्रग्स के बारे में मैंने आपको पहले भी डिटेल में बता दिया। इसका बेसिकली पहले हम एजुकेट करेंगे लोगों को, क्योंकि इसका एक यही लॉस नहीं होता कि आदमी का कोई पैसा कमा रहा है, उस तरह से होता है, ह्यूमन लाइफ का बहुत बड़ा लॉस है और इसके बारे में अवेयरनेस बहुत जरूरी है लोगों को कि ड्रग्स के या उसके सब्सटेंस अब्यूज के कारण क्या क्या कितने लॉस होते हैं और इसको किस तरह से पहचाना भी जाए। कई बार पेरेंट्स को पता नहीं होता बच्चों का और बच्चे भी अनोइंगली ट्रैप में फॉल कर जाते हैं। तो इसमें हम एक सीडी बना रहे हैं और इसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी सब्सटेंस अब्यूज के बारे में, ड्रग अब्यूज के बारे में। इसको हम टारगेटेड एरियाज में, टारगेटेड ग्रुप्स तक पहुंचाएंगे, स्कूल्स में, कॉलेज में और बाकी पब्लिक रेमेडी में, सिविल सोसाइटी में। उनको वहां पे इस चीज के बारे में पहले अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, उसके बाद ताकि लोग उसके इसके दुष्प्रभावों के बारे में पहले से ही जानते हों। इससे जो मतलब एक तो प्रिवेंशन वाला पार्ट है उसमें आई थिंक हम लोगों को मदद मिलेगी और सेकेंडली जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं चाहे वो किसी स्तर के भी हैं उनके खिलाफ हम लोग बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। चाहे वो किसी भी लेवल के लोग हों उनको उनके खिलाफ जो लीगल एक्शन बनता वो करेंगे और सख्ती से हम ड्राइव चला के सबके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। जी, खनन माफिया, खनन का भी हम पहले कोशिश कर रहे हैं, अभी इस दिन वीक हो जाएगा, आइडेंटिफाई कर लेंगे जहां पे खनन बहुत इलीगल या मास स्केल पे हो रहा है, फिर उसमें आइडेंटिफाई करके हम जो चिन्हित करके उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। उसके लिए माइनिंग और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो उनकी भी जरूरत, उनकी भी हेल्प लेके हम उसको कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से करेंगे। कई बार ये जो खनन वाले होते हैं ये पॉलिटिकल सहारा लेके भी खनन करते रहते हैं या फिर राजनीतिक दबाव भी बनाते हैं, इससे कैसे निपटा? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक कोई भी सेंसिबल आदमी इनकी हेल्प नहीं करेगा, करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो अल्टीमेटली एनवायरमेंट को ही लॉस नहीं कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा लॉस है। कल को ये चीजें लुप्त हो जाएंगी या उससे और कई चीजों तरह के लॉसेज हो रहे हैं जो कि अगली आने वाली सोसाइटी के लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। तो आई डोंट थिंक कोई सेंसिबल आदमी की हेल्प के लिए आगे आएगा और इस तरह से कोई इंटरफेरेंस ना कोई करेगा ना इसको इस तरह से टॉलरेट किया जाएगा। थैंक यू।